आज के लगभग 500 साल पहले सन 1528 में राम मंदिर को तोड़ा गया था बाबर के द्वारा और आज राम मंदिर उसी जगह पर बन रहा है। 22 जनवरी आज का यह दिन बड़ा ही स्पेशल दिन है। आज के दिन यूपी सहित कई स्टेट्स में छुट्टी के रूप में कंसीडर किया जाएगा और आज के दिन यानी 22 जनवरी को एक दिवाली और मनाई जाएगी। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स में जैसे यूपी हो गया, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ड्राई डे के रूप में भी मनाया जाएगा। ड्राई डे का मतलब है कि 22 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी क्योंकि इसी दिन यानी कि 22 जनवरी को ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी मूर्ति में जीवन का संचार करना या फिर किसी मूर्ति में जान डाल देना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में जान आ जाती है। इस प्रोसेस में मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से पहले मूर्ति के आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है और फिर मंत्रोच्चारण के बाद उस पट्टी को पीछे से खोला जाता है। उसके बाद मूर्ति को स्थापित किया जाता है। लेकिन इस समारोह में चारों शंकराचार्य गुरु नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है मंदिर के बिना पूरी तरह से बने किया जा रहा है, जो शास्त्रों के खिलाफ है। इस वीडियो में भगवान राम के बारे में, उनके वनवास के बारे में और जो राम मंदिर का डिस्प्यूट है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में भी बात करेंगे और फिर अयोध्या के बारे में और जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। भगवान राम का जन्म होता है अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र के रूप में। राजा दशरथ की तीन पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। माता कौशल्या राजा दशरथ की पहली पत्नी होती है और भगवान श्री राम इन्हीं के बेटे थे। भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के बेटे थे और लक्ष्मण सुमित्रा के बेटे थे। इसके बाद चारों भाई गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। कुछ टाइम बीतता जाता है, भगवान राम की सीता जी के साथ शादी भी हो जाती है। उसके बाद भगवान राम को 14 साल का वनवास मिलता है अपने पिता के द्वारा उनकी दूसरी माता कैकेयी के कहने पर, और भगवान राम खुशी इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। भगवान राम अयोध्या से निकलते हुए प्रयागराज जाते हैं और ऋषि भारद्वाज से मिलते हैं। उसके बाद वो चित्रकूट पहुंचते हैं और महर्षि वाल्मीकि से भी मिलते हैं और चित्रकूट में ही वो लगभग 11 साल से भी ज्यादा समय तक रहते हैं। चित्रकूट जो कि आज के मध्य प्रदेश के सतना जिले में एग्जिस्ट करता है। वहां से भगवान राम आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य पहुंचते हैं और वहां सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि से मिलते हैं। दंडकारण्य जहां आज के समय में छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमाएं मिलती। उसके बाद चलते हुए वो पंचवटी पहुंचते हैं जहां वो अगस्त मुनि से मिलते हैं। पंचवटी जहां आज के समय में नासिक है। उसके बाद यहीं से सीता माता का हरण होता है और फिर भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में लेपाक्षी पहुंचते हैं जहां रावण के साथ युद्ध में पक्षीराज जटायु मारे जाते हैं। वहां से वो श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए किष्किंधा पहुंचते हैं। किष्किंधा जहां आज के समय में कर्नाटक का हम्पी शहर। उसके बाद वहां से सुग्रीव और हनुमान जी से मिलने के बाद वो रामेश्वरम पहुंचते हैं जो आज के तमिलनाडु में है, और लंका जो कि श्रीलंका है आज के टाइम में। और यहां रावण का वध करने के बाद भगवान राम अयोध्या की तरफ वापस लौट जाते हैं और उनका राज्याभिषेक किया जाता है अयोध्या में। जब वो वनवास के लिए निकले थे तब जो उनकी उम्र थी वो 25 साल थी और वापस लौटने के बाद यानी कि 14 साल बाद उनकी उम्र 39 साल हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान राम ने अयोध्या पर 11,000 सालों तक शासन किया क्योंकि रामायण में एक श्लोक है, दशा वर्ष सहस्त्राणि दशा वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मा लोकम प्रयस्यति। इसका अर्थ है कि 10,000 वर्षों तक और उसके बाद 1,000 वर्षों तक, मतलब कुल 11,000 वर्षों तक अपने राज्य की सेवा में रहने के बाद भगवान राम ब्रह्मलोक में चले जाते। लेकिन इसका जवाब हमें महाभारत के एक श्लोक से मिलता है, अहो रात्रम महाराज तुल्यम संवत्सरेण ही, जिसका अर्थ है कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराजे के लिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर आप 11,000 वर्षों को 11,000 दिन मानकर ईयर में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 13 साल और 4 महीने होते हैं। मतलब 39 साल के वो तब थे जब वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और 30 साल बाद शासन करने के बाद उनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा हो चुकी होती है जब वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब आते हैं राम मंदिर के इतिहास पर। राम मंदिर और अयोध्या का इतिहास लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। करीब 5,000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई थी राम मंदिर के लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सन 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये गलत है, दरअसल एक किताब है जिसका नाम है अयोध्या रिविजिटेड। इसके राइटर है किशोर कुणाल जो कि एक IPS अफसर थे। ये अपने बुक में लिखते हैं कि राम मंदिर को बाबर ने नहीं बल्कि 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने तोड़वाया था। उस समय औरंगजेब का रिश्तेदार फिदाई खान अयोध्या में औरंगजेब का गवर्नर था। इस किताब में ये भी मेंशन है कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था और उसने कभी राम मंदिर तोड़ने का आदेश दिया ही नहीं था। इवन बाबर से लेकर शाहजहां तक मुगल शासक काफी लिबरल थे और सभी धर्मों को मानने वाले थे, ऐसा इस किताब में लिखा है। इतिहास में और पीछे जाए तो आज के लगभग 1000 साल पहले सन 1030 में फेमस हिस्टोरियन अलबरूनी जो कि इंडिया के अगेंस्ट कई मिलिट्री ऑपरेशंस में महमूद गजनवी के साथ था, उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसमें उसने अयोध्या को भी मेंशन किया था और राम सेतु को भी। उस किताब में उसने लिखा था कि त्रेता युग में अकेले राम बुरे लोगों पर विजय पाने और अपने बल द्वारा तीनों लोगों को जीतने में समर्थ थे।
उसके अलावा वो यह भी जानता था कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे और उनकी पूजा के लिए मूर्तियां निर्धारित की गई थी। उसके बाद 23 अक्टूबर 1093 को गढ़वाल के राजा गोविंद चंद्र सूर्य ग्रहण के अवसर पर अयोध्या को विजिट करते हैं और 1130 ईस्वी में अयोध्या में उनके राज्यपाल आनंद चंद्र ने राम जन्मभूमि पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, इब्राहिम लोदी आता है, उसके बाद बाबर भी आता है 1500 ईस्वी में। उसके बाद 1575 ईस्वी में ही तुलसीदास रामचरितमानस को लिखते हैं अयोध्या में। 1631 ईस्वी में जॉस डी लायट अपनी किताब डी इम्पोरियो मैग्री मोगोलिस सीव इंडिया वेरा कमेंटेरियस एक किताब लिखता है और ये किताब वो अयोध्या पर लिखता है और लिखता है कि तीर्थयात्री भारत के सभी जगह से यहाँ अयोध्या में आते हैं और मूर्ति पूजा करने के बाद यहाँ से प्रमाण के रूप में जले हुए चावल के कुछ दाने अपने साथ ले जाते हैं। 1634 ईस्वी में थॉमस हर्बर्ट ने अयोध्या की जर्नी पर एक बुक लिखा था जिसका नाम था सम ईयर्स ट्रेवल्स इंटू डाइवर्स पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। उसमें उसने कहा था कि सबसे यादगार और सुंदर वो पुराना महल था जिसको रामचंद्र ने 994,500 साल पहले बनवाया था। उसके बाद 1660 ईस्वी में औरंगजेब मंदिर को तुड़वा देता है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद 1855 ईस्वी में शाह गुलाम हुसैन अफवाह फैला देता है कि जो हनुमान गढ़ी है वहां पर औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी और इसीलिए वो हथियारों के साथ 400 से 500 लोगों के साथ एक ग्रुप बनाकर हनुमान गढ़ी पर हमला कर देता है। लेकिन बैरागी साधुओं ने उनको वहां से भगा दिया और बाबरी मस्जिद तक उनका पीछा किया। उसमें 75 मुस्लिम्स और 11 हिंदू भी मारे गए थे। बाबरी मस्जिद जिसको बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने बनवाया था। ये सब इंसिडेंट होने के बाद 4 फरवरी 1856 ईस्वी में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी जबरदस्ती अयोध्या पर अपना कंट्रोल लेती है। इसके बाद भी 1858 ईस्वी में पंजाब के एक निहंग सिख ने अपने 25 साथी सिखों के साथ मस्जिद पर कब्जा कर लेते हैं और मस्जिद के बीच में एक मूर्ति भी रख देते हैं और मंदिर के बाहर एक झंडा भी लगा देते हैं। लोगों ने अंदर पूजा किया, होम भी किया और मस्जिद के हर तरफ कोयले से राम राम लिख दिया। लेकिन इसकी शिकायत करने के बाद वहां के जो SHO थे वो निहंग सिखों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया और ब्रिटिश सरकार मस्जिद के अंदर उनके पूजा पर बैन लगा देती है लेकिन मस्जिद के बाहर उनको थोड़ी सी जमीन देती है पूजा करने के लिए। लेकिन 1931 में अयोध्या में एक और दंगा होता है और इस दंगे में बाबरी मस्जिद को भी नुकसान होता है। उसके बाद मुस्लिम्स वहां पर हफ्ते में सिर्फ एक बार जुमे की नमाज पढ़ने आते थे। और इसके बाद ईयर 1990 आता है जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। दरअसल विश्व हिंदू परिषद RSS और BJP ने एक रथ यात्रा निकाला था अयोध्या राम मंदिर के लिए और 30 अक्टूबर को यात्रा का लास्ट डे था। जब ये रथ यात्रा अयोध्या में थी तो मुलायम सिंह यादव ने सिक्योरिटी देने पर कहा कि वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये यात्रा चलती रहती है और बाबरी मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने लगती है जिसके बाद कार सेवकों में और पुलिस में थोड़ी सी झड़प होती है और मामला वहीं पर कंट्रोल से बाहर होने लगता है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं जिनमें ऑन रिकॉर्ड भी ज्यादा कार सेवक मारे जाते हैं और 125 लोगों को ओम भारती हेल्प करती है, उनको शेल्टर देती है और उनको अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी इनवाइट किया गया। यहाँ आपने इतनी गंदी पॉलिटिक्स कहीं नहीं देखी होगी जहाँ सिर्फ एक मस्जिद की तरफ जाने की वजह से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देखिए तब इरादा कुछ भी था कि सिर्फ मस्जिद की तरफ जाना है या फिर मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाना है या फिर कुछ भी, लेकिन बिना कुछ किए बिना कुछ हुए ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद और BJP दोनों अयोध्या में एक रैली निकालते हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बाद में ये रैली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उल्टा सुरक्षा बलों पर ही हावी हो जाती है और पूरी जो भीड़ थी वो बाबरी मस्जिद पर अटैक कर देती है और बाबरी मस्जिद को तोड़ देती है। इस इंसिडेंट के बाद 68 लोगों को जिम्मेदार बताया गया और इसी एक वजह से कई महीनों तक दंगे होते रहे। करीब 2000 लोग मारे जाते हैं इन दंगों में जिनका असर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देखने को मिला था जहां पर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था। अकेले पाकिस्तान में लगभग 30 मंदिरों को तोड़ा गया था। अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में हिंदुओं पर बहुत हमले होते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनका घर भी जलाया गया। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान के जो हिंदू थे उन पे इतने जुल्म हुए कि उनको भारत सरकार से भारतीय नागरिकता की मांग उठने लगी। भारत में उसके बाद कई आतंकी हमले हुए जिसमें मस्जिद को तोड़ना जिम्मेदार बताया गया। इस इंसिडेंट के बाद विश्व हिंदू परिषद और BJP के कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होता है जिनमें BJP के एक बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे ऊपर था। उस पार्टिकुलर टाइम पर कल्याण सिंह को भी कोर्ट में जवाब देना पड़ा था जो कि CM थे तब UP के। इसके कुछ टाइम बाद एक और बहुत बड़ा अटैक होता है जब फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से चलती है और उसको अहमदाबाद जाना था जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लगभग 2000 कार सेवक बैठे थे जो कि राम मंदिर महायज्ञ में शामिल होने गए थे। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है उनके डिब्बों में आग लगा दिया जाता है जिनमें 59 कार सेवकों की मौत हो जाती है और जिनमें 17 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल होते हैं। और इसके कुछ ही घंटे बाद देश के अलग अलग कोनों में दंगे शुरू हो जाते हैं। इनमें लगभग 250 से भी ज्यादा हिंदू और 790 से भी ज्यादा मुस्लिम मारे जाते हैं। लेकिन उस ट्रेन एक्सीडेंट के तुरंत बाद गुजरात सरकार एक्शन में आती है। तब नरेंद्र मोदी CM थे गुजरात के और वो एक जांच आयोग का गठन करते हैं
और केंद्र सरकार भी एक जांच आयोग का गठन करती है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी देश में। केंद्र सरकार इस जांच की रिपोर्ट को 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है और बताती है कि वो सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको गलत बताते हुए इसको खारिज कर देती है। इसके बाद इस मामले की 8 साल बाद 2011 में हियरिंग होती है, जिसमें पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें कोर्ट ने लगभग 94 लोगों को दोषी पाया था, जिसमें से 11 को डेथ पेनल्टी, 20 को उम्र कैद और 63 लोगों को बरी कर दिया गया था। इस मामले के मुख्य आरोपी मौलाना उमर जी, मोहम्मद हुसैन कलौटा, मोहम्मद अंसारी और नामूमिया चौधरी था। बाद में हालात ठीक होते लेकिन अभी भी राम मंदिर का केस चल रहा होता है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर जन्मभूमि को 3 तरफा बांटने का फैसला सुनाया, जिसमें से एक हिस्सा राम मंदिर को और दूसरा हिस्सा सुन्नी मुस्लिम को और जो तीसरा हिस्सा था वो निर्मोही अखाड़ा को देने का फैसला सुनाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस पर्टिकुलर टाइम पर 3 जज थे, एक जस्टिस खान और एक जस्टिस अग्रवाल और एक जस्टिस शर्मा। जस्टिस खान का जो डिसीजन था वो बाकी दोनों जजों से अलग था। जस्टिस खान ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं गया, मस्जिद उन मंदिरों के खंडहरों पर बनाया गया था जो मस्जिद के बनने से बहुत पहले पूरी तरह से खंडहर पड़े हुए थे और उसकी कुछ चीजों का यूज मस्जिद बनाने में किया गया था। वहीं जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन गैर इस्लामिक और धार्मिक स्ट्रक्चर यानी कि हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था। जस्टिस शर्मा ने भी यही कहा कि मस्जिद पुराने स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करने के बाद उसी जगह पर बनाया गया था और ASI की रिसर्च रिपोर्ट भी यही बताती है कि यह स्ट्रक्चर एक विशाल हिंदू धार्मिक संरचना थी। इस रिसर्च की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये जो फैसला सुनाती है कि जमीन तीनों भागों में डिवाइड कर लो, इससे दोनों ही पक्ष खुश नहीं होते और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है और मामला एज इट इज यहां पर पड़ा रह जाता है। केस अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है और यही वो वकील है जो राम मंदिर के पक्ष में केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में और इनका नाम है केशव परासरन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हियरिंग होती है 9 नवंबर 2019 को, जिसमें ASI के दिए गए प्रूफ और रिसर्च के अकॉर्डिंग फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है और सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूटेड एरिया को हिंदू पक्ष को सौंप देती है और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के अंदर 1.5 एकड़ जमीन देने का फैसला करती है। उसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। देखिए इस पूरे मामले में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होती है। कांग्रेस और अदर पार्टियों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन बीजेपी स्टार्टिंग से इसमें इन्वॉल्व थी। उल्टा कांग्रेस ने और भी कई सारे एलिगेशंस लगाए राम मंदिर पर और बीजेपी पर, यहां तक कि उन्होंने कहा कि रामायण कभी हुआ ही नहीं था और बीजेपी सिर्फ इसको चुनाव जीतने के लिए कर रही है। लेकिन कांग्रेस से एक सवाल है कि फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने राम मंदिर पर जहां भी कांग्रेस को देखा होगा वो कभी भी राम मंदिर के सपोर्ट में बात नहीं करता। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इन्विटेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। अजब चाहे जितना भी कहो कि राम मंदिर बीजेपी का एक पॉलिटिक्स है, लेकिन बीजेपी ही वो इकलौती पार्टी है जिसने शुरुआत से ही राम मंदिर को सपोर्ट किया, वोट बैंक के चक्कर में कभी भी अपने आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अब आते हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पर। राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 को। राम मंदिर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि लगभग आने वाले 1000 सालों तक इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर को 6.5 रिएक्टर स्केल वाला अर्थक्वेक भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसकी जो नींव है वो 50 फीट गहरी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कहीं भी स्टील और लोहे का यूज नहीं किया गया। इसके बेस में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया। टाइम कैप्सूल एक स्पेशल डिवाइस होता है और यह तब काम में लिया जाता है जब किसी मैसेज को हजारों साल आगे पहुंचानी है। राम मंदिर टाइम कैप्सूल में राम मंदिर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखे गए हैं जिससे आने वाले हजारों साल बाद भी राम मंदिर को लेकर कोई भी विवाद ना हो टाइम कैप्सूल की वजह से। मंदिर में कुल 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का यूज किया जा रहा है जिनमें हर एक का वेट 2 टन है। इसके अलावा इसके बेसमेंट में 4 लाख क्यूबिक फीट लाल पत्थर का यूज किया जा रहा है और इसके शिखर को तराशने के लिए राजस्थान से 1 लाख क्यूबिक फीट संगमरमर का यूज किया गया। राम मंदिर में कुल 162 पिलर्स हैं और इन पिलर्स पर केरल और राजस्थान के कारीगरों द्वारा 4,500 से भी ज्यादा मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें आपको त्रेता युग की भी झलक दिखेंगी। भगवान राम की मूर्ति 600 साल पुराने सालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, 2 पत्थरों जिनको नेपाल के गंडकी नदी से निकाला गया था और अयोध्या लाया गया था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पत्थर से बने भगवान राम की मूर्ति लगभग 1 लाख साल तक वैसी ही रहेगी जैसे आज है। इसके साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन रख दिया गया और पीएम मोदी ने एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी किया जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो अयोध्या में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ दर्शन करने भी बड़े नंबर्स में लोग आएंगे। लगभग 4 करोड़ राम भक्तों को हर साल आने की उम्मीद है अयोध्या में आने वाले 2-3 सालों में। गवर्नमेंट सिर्फ अयोध्या के लिए लगभग 1000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इंडिया की सबसे बड़ी जो मिनरल वाटर कंपनी है बिसलेरी, इसने अयोध्या में एक ग्रीन फील्ड प्लांट एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया। छोटे छोटे दुकानों में तेजी देखी जा रही है। सजावट वाली चीजें जैसे चूड़ियां, पूजा के सामान, मालाएं और चीजों की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर 2023 में अयोध्या में इनके एक्सपोर्ट 130%
से बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गए। कई बड़े बड़े होटल्स, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में अयोध्या में, जिसके साथ यूपी के जीडीपी में भी एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बस इतना ही था आज की वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना इस वीडियो को। मिलते किसी और वीडियो में, धन्यवाद।